तो गाइस पहुंच चुकी हूं मैं मेले में और आगे थोड़ी आगे जाके मंदिर है, तो मैं मंदिर दिखाऊंगी थोड़ी देर तक। और ये पीछे दुकानें लगी हुई हैं बड़ी अच्छी अच्छी, और मेला जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी इतना रश नहीं है, सुबह के 7 बज रहे हैं, थोड़ी देर तक जो है वो बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाएगा। यहाँ से धक्के खा के आगे जाना पड़ेगा। तो ये दर्शन वाली लाइन पीछे से रिकॉर्डिंग की अब कर रही हूँ, और लाइन जो है वो बहुत लंबी है, मंदिर काफी आगे है। और अगर लाइन में लगे तो 3 घंटे तो कहीं नहीं गए, 3 से 4 घंटे लग जाएंगे दर्शन करने के लिए। और ये रात के खड़े होंगे आई थिंक दर्शन के लिए। ये देखिए पूरी लाइन है, वो आगे तक का लाइन। बहुत दूर है, और ये तो जेंट्स लाइन है, लेडीज लाइन भी इसके साथ ज्वाइन हो गई है। अब बहुत लंबी लाइन लगी है। और ये है सामने मंदिर काठगढ़, तो देखते हैं हम कहाँ पे दर्शन करेंगे। तो फाइनली गाइस की तरफ अभी देखना ये है कि दर्शन जो है वो कहाँ से किए जाएंगे। अभी तो लाइन ही चेक कर रही हूँ, आपको मैं ऊपर जाके दिखाती हूँ कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ से देखने में तो कम लग रही है, आगे और बहुत ज़्यादा आगे लंबी लाइन है। चलिए चलते हैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस ये है लाइन, वो पीछे से लाइन शुरू हुई है जहाँ से मैंने आपको पहले दिखाई थी, और इधर आगे कितने सारे तोड़ मरोड़ करके, और ये जो लाइन है वो आगे तक कर है मंदिर तक। और यहाँ से दिखाती हूँ, वो पीछे देख रहे हैं आप नीचे, वहाँ तक से लेके यहाँ तक लाइन है। तो यहाँ मेरे सामने मंदिर है, और यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अंदर जो है वो टिकने नहीं दे रहे किसी को भी, और ना ही वीडियो लेने दे रहे हैं। और यहाँ से मैं दिखाती हूँ, ये मंदिर है गाइस, और अंदर बहुत बड़े जो है शिवलिंग है। तो अब मैं जाऊँगी दूसरी साइड, क्योंकि मुझे जल अभिषेक करना है। तो मिलती हूँ आपको जल अभिषेक करने के बाद। तो जी मेरा जल अभिषेक फाइनली पूरा हो चुका है, और अब मैं हूँ मंदिर के एकदम बाहर वाली साइड, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी बाहर से फुटेज लेने दे रहे हैं, अंदर से जो थी वो फुटेज लेने नहीं दे रहे थे, तो मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं की है अंदर, क्योंकि अंदर जल्दी जल्दी निकाल देते हैं, 2 मिनट भी ठहरने नहीं देते, क्योंकि मेरा VIP कोटे में दर्शन हो गया था। तो इस वजह से जो है मैंने जल्दी फ्री हो गई, और अब बाहर से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो गाइस आप भी दर्शन कर लीजिए, अंदर जो शिवलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, शिव जी और पार्वती अंदर जो है शिवलिंग रूप में विराजित है। तो जी दर्शन करने के बाद हम लोग आ चुके हैं बैक साइड मंदिर पे, यहाँ पे भी नंदी जी की मूर्ति है और साथ में शिवलिंग है, जो उधर जल नहीं चढ़ा सकता वो इधर चढ़ा सकता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि बोर्ड लगा हुआ है काठगढ़ मेले का, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए कितने लोग जो है वो जल चढ़ा रहे हैं, और लाइट जो है एकदम से कितनी लग गई है। ये सामने ही मेरा मंदिर है बिल्कुल, तो मैंने तो अभी दर्शन कर लिए हैं, अभी जो है पेट पूजा की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी यहीं ये अपनी सीढ़ियों से हम लोग नीचे तक के जाएंगे मेले में। मैं जो है हेडफोन में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रश है, मेरे सिर में बड़ी ज़्यादा दर्द हो रही है।
और ये पीछे देखो, पीछे का नज़ारा पूरी पार्क में देखो, पूरी पार्क में जो है लोग बैठे हुए हैं। इधर भी बहुत ज़्यादा रश है और इधर बहुत से सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, ये देखिए जूम करके दिखाती हूँ। और सारे यहाँ पे जो है वो फ़ोटो खींचने के लिए गए हुए हैं, जबकि उन्होंने दिख के भी लगाया हुआ है कि फूल तोड़ना मना है, बट फिर भी ये देखिए दुर्गति हो रही है फूलों की। तो रश देखिएगा इस कैसे आ रहा है, ये देखिए कितने बंदे आ रहे हैं और उधर से बाहर से अंदर की तरफ ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी सच में शिव जी की जो है वो बारात आ रही हो। वैसे तो सच में ही आई हुई है, बट देखिए कितने लोग शामिल हो रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने सारे लोग एक साथ कभी नहीं देखे, तो आपको भी दिखा रही हूँ और मैं भी देख रही हूँ गाइस।